अरे इसी काम से तो पैसा मिलता है। बात तो सही है। हाँ इसी काम से तो पैसा मिलता है। मैं क्या बोला तूने? और नहीं सकते। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दीपूस ब्लॉग में आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है। सो आप लोग ये सोच रहे हो कि ये बाहर क्यों बर्तन धो रही हैं? क्योंकि आज जैसे कि दीपावली है और ये सब जो बर्तन ये ठाकुर जी के बर्तन है, तो मैं ये सब क्लीन करके दिया वगैरह और भी बहुत सारे बर्तन हैं जो मैं रेगुलर तो यूज़ नहीं करती, लेकिन हाँ कोई स्पेशल ओकेजन होता है तो ही मैं यूज़ करती हूँ और उसको निकालती हूँ। नहीं तो बाय द वे वो तो एकदम सेपरेट अच्छे जगह में रहता है जिसको कोई टच भी नहीं कर सकता है, तो इसीलिए इसको निकाल के फिर मैंने उसको साफ़ सफाई किया अच्छे से। एकदम शाइनिंग हो रहा है, पीतल का ही बर्तन है तो शाइनिंग तो करना पड़ेगा। तो मैंने थोड़ा सा वो इमली उससे मैंने जब साफ़ किया तो देखा कि हाँ अच्छे से क्लीन हो गया। इमली हुआ या नींबू, दोनों में से कोई भी एक भी चलेगा। वैसे तो अभी केमिकल का ज़माना है तो मैं केमिकल यूज़ तो मैंने एक बार किया था, लेकिन वो ना 2-3 घंटे के बाद ना वो पता नहीं क्या हो जाता है मेरा, मतलब तो पानी का प्रॉब्लम है कि एक्चुअली मैं या फिर वो जैसे होते हैं ना कि पीतल वगैरह इसमें कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि शाइनिंग ख़त्म ही हो जाती है। तो इसीलिए मैंने इस बार सोचा है कि ठाकुर जी को और जितने सारे बर्तन हैं वो सब मैं इमली से वॉश करूँगी और क्लीन करूँगी। तो वो सब तो हो गया है और अब देखिए मैं 1 by 1 ठाकुर जी को कपड़े पहनाऊंगी, क्योंकि जो हर साल होते हैं लेकिन इस साल हम लोग उतना बड़ा करके उतना अच्छे से नहीं कर रहे हैं। तो अभी जैसे कि अभी सबसे पहले तो गणेश जी को रेडी करने पड़ता है, क्योंकि गणेश जी को सबसे पहले पूजा भी किया जाता है और उनको ही सबसे आगे रखा जाता है। तो इसीलिए मैं पूजा भी करती हूँ ना मंदिर में, तो मैं सबसे पहले गणेश जी को ही फूल चढ़ाती हूँ, फिर बाकी सब ठाकुर जी को मैं फूल और प्रसाद ये सब चढ़ाती हूँ। तो देखिए यहाँ पे सब रेडी हो चुके हैं, रेडी हो क्या गए, मैंने रेडी कराया इन लोगों को। गदा है, गदा नहीं, ये जड़ी बूटी वाला ये है क्या? संजीवनी। हाँ संजीवनी बूटी का पूरा पार उठा के ले आया। अरे राम जी का जो भाई है ना उसका शायद तलवार लग गया था, पता नहीं क्या हुआ था, तो उसके लिए ना एक बाबा जी आया, बोला संजीवनी बूटी लगेगा तो ये गया, अब उसको संजीवनी बूटी मिला नहीं तो पूरा पहाड़ उठा के लेके आ गया। क्या बूटी से बूटी वाला जो बूटी तुम तब से क्या क्रिस क्रॉस कर रही हो? तभी के पॉल था तो मैच खेलो में कभी छोड़ दिया तो कैच खेलो में। इधर से हमको ना स्त्री जैसे लग रहा है, स्त्री जैसे लोग लग रहे हैं ना। और उसके बाद मैंने लोकनाथ बाबा को भी सजाया, उनको भी रेडी कर दिया। और ये देखिए कि सारे भगवान जी रेडी हो गए और यहाँ पे मैंने सोचा कि थोड़ा सा फ़ोटो शूट कर लेती हूँ ठाकुर जी के साथ, तो इसीलिए मैंने ठाकुर जी को ऐसे हाथ में लिया था। अब नेक्स्ट है मंदिर सजाना, तो मंदिर में सिंहासन जैसे जो नियम से सजाया जाता है तो उसी हिसाब से मैं सजा रही हूँ, ऐसे रेड एंड वाइट कलर के कपड़े, जैसे कि वाइट कलर के कपड़े गणेश जी के मूर्ति के नीचे रखा जाता है एंड रेड कलर के कॉटन जो
और फिर उसके बाद देखिए एक बाय एक करके मैं सारे भगवान जी को रख रही हूँ सिंहासन में। पहले तो मैं सब कुछ रेडी कर दूँगी, उसके बाद हम मैं पूजा करूँगी। ओके, क्योंकि जैसे कि अभी सब मैंने देखिए रेडी कर दिया है और पूजा पाठ का जो भी दिया वगैरह जैसे मैं हर साल करती हूँ वैसे ही रेडी हो चुका है, लेकिन यही है कि पंडित जी तो नहीं आएंगे, पूजा तो मुझे करना पड़ेगा। बाबा पूरे मेला लगा दिया। मेला आजा लेके तू हट, ठीक है? एक से रहो। तो आप लोग देख रहे हो कि जैसे जैसे पंडित जी जिस हिसाब से पूजा करते हैं मैं उस तरह प्रॉपर तो नहीं कर पाऊँगी, और जहाँ तक मुझे याद रहता है कि हाँ भगवान जी को कैसे मतलब उस टाइम कैसे क्या नियम करने पड़ते हैं तो वैसे ही कर रही हूँ। और बाकी जो है दिए वगैरह तो मैं इस बार हम लोग जलाएंगे नहीं, तो मैंने जो दो तरह का सॉरी दो पीतल का जो दिया है वो यहाँ पे मैंने डेकोरेशन के लिए मैंने दोनों दिया रख दिया है ताकि देखिए बहुत सुंदर लगेगा। और देखिए कितना सुंदर से मैंने फूल से डेकोरेशन किया है पूरा मंदिर को। और यहाँ मैं आरती करूँगी और फिर उसके बाद नेक्स्ट जैसे कि मैं नॉर्मली तो मुझे ही करने पड़ता है और पंडित जी तो सिर्फ मंत्र पढ़ते हैं, तो अभी जैसे कि सब काम मुझे ही करने पड़ रहा है तो थोड़ा डर भी हूँ, नर्वस भी लग रहा है, लेकिन ऐसे नॉर्मली दिन रहता है ना तो मैं आराम से पूजा कर लेती हूँ, लेकिन थोड़ा मैं सोच में पड़ गई। आप देख रहे हो कि मेरा फेस एकदम जैसे सीरियस हो के मैं एकदम पूजा कर रही हूँ ताकि कोई और आज जैसे कि गुरुवार है तो हर गुरुवार को मैं लक्ष्मी जी का पाठ करती हूँ और फिर वो मेरा हो गया है तो उसके बाद ये देखिए मेरा जलवा है हमारा है। चक्री में तो दादी को चक्री क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है।
तूबरी आम जलाएंगे।